दोस्तों क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि स्पेस में भेजे जाने वाले स्पेसक्राफ्ट कैसी कैसी सिचुएशन से होकर गुजरते हैं? क्या हो अगर ट्रेवल करते समय आपके सामने एक 500 मिलियन किलोमीटर चौड़ी आग की गेंद आ जाए? वॉयजर 1 एंड वॉयजर 2 अंतरिक्ष में कुछ ऐसी ही कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इनको लॉन्च हुए आज 45 साल हो चुके हैं और इतने सालों में इन दोनों ही स्पेसक्राफ्ट ने हमें बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इन दोनों स्पेसक्राफ्ट के जरिए ही हम अंतरिक्ष विज्ञान में आज इतना आगे आ पाए हैं। वॉयजर्स को लॉन्च हुए अर्ध सदी हो चुकी है, लेकिन फिर भी इनके इंस्ट्रूमेंट्स बिल्कुल सही सलामत बचे हुए हैं। सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ही नहीं बल्कि ये स्पेसक्राफ्ट खुद ही अपने आप को अंतरिक्ष के भयानक वातावरण से बचाकर रखने में सफल रहे हैं। ये इतने सालों से अंतरिक्ष के लो तापमान, रेडिएशन और सुई जैसे नुकीले धूल के कणों को मात देते आए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मल्टीलेयर थर्मल इंसुलेट्स है। इनके अंदर मौजूद हर एक इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल अच्छे से सील्ड किया गया है ताकि अंतरिक्ष के भयानक वातावरण का कोई भी असर इन पर ना हो। वॉयजर के लॉन्च होने के कुछ समय पहले इसके अंदर मौजूद केबल्स को किचन एल्यूमिनियम फॉल से लपेटा गया था ताकि अंतरिक्ष की रेडिएशन इन केबल्स को खराब न कर पाए। जब ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुए तो ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जैसे ग्रहों के पास से गुजरी और उन्होंने कुछ बहुत ही शानदार तस्वीरें भी खींची। इनमें से सबसे फेमस तस्वीर ये है। इसमें आप ये जो छोटा सा डॉट देख रहे हैं वह हमारी पृथ्वी है। इस तस्वीर को पेल ब्लू डॉट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इन स्पेसक्राफ्ट ने बृहस्पति के चांद आयो पर होने वाली वॉल्केनिक इरप्शन की भी तस्वीर कैमरे में कैप्चर की, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसी ही कई सारी तस्वीरें हैं जो इतनी ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन वह काफी ज्यादा शानदार है। इनमें से एक तस्वीर ये है जिसमें आप पृथ्वी और चांद को एक ही फ्रेम में देख सकते हैं और ये दोनों ही बीच से कटे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस फोटो को स्पेसक्राफ्ट ने तब लिया था जब वह जुपिटर की ओर जा रहा था। इसके अलावा आप ये तस्वीर देख सकते हैं जिसमें टाइटन की डिस्क को दिखाया गया है। अगर आपको नहीं पता है तो बता दें कि टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा सैटेलाइट है और साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि भविष्य में हम इस पर जाकर अपनी बस्तियां भी बसा सकते हैं। इस तस्वीर में इतने सारे रंग अलग अलग गैसेज की वजह से है। टाइटन पर नाइट्रोजन, मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन के काफी सारे कंपाउंड्स मौजूद है जिसकी वजह से उसे ऐसा रंग मिलता है। साइंटिस्टों के मुताबिक हमारी पृथ्वी का वायुमंडल भी जीव जंतुओं के होने से पहले कुछ ऐसा ही दिखाई देता होगा। ओल प्लैनेट पर स्टडी करने और उनकी तस्वीर खींचने के बाद वॉयजर ने अपने कैमरे और कुछ और इंस्ट्रूमेंट को बंद कर दिया। इसका मकसद एनर्जी को सेव करना था। स्पेसक्राफ्ट के अंदर जो बैटरी लगी है वह लिमिटेड समय के लिए ही चल सकती है और उससे जितना ज्यादा इंस्ट्रूमेंट को चलाया जाएगा वह उतनी ही तेजी से खर्चा होगी। वैज्ञानिक ऐसा चाहते हैं कि यह स्पेसक्राफ्ट लंबे समय तक उनको डाटा भेजता रहे और इसलिए उन्होंने ज्यादा एनर्जी यूज करने वाले इंस्ट्रूमेंट जैसे कैमरे को बंद कर दिया। बिना किसी बड़ी परेशानी के ये स्पेसक्राफ्ट सौरमंडल के बाहरी घेरे तक पहुंच गया और इसके बाद ये हीलियोस्फीयर के भी किनारे तक पहुंच गया। यहाँ पर सोलर विंड हमेशा ही मौजूद रहती है। इसके बाद ये हीलियोपोज नाम के एक एरिया में पहुंच गया जहाँ पर सोलर विंड का प्रेशर और इंटरस्टेलर प्लाज्मा का प्रेशर बराबर होता है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि जिस तरह से बर्फ को गर्म करने के बाद लिक्विड में बदल जाती है और लिक्विड को गर्म करने पर वह गैस में बदल जाता है, कुछ इसी तरह से जो गैस को भी गर्म किया जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो जाते हैं जिससे प्लाज्मा नाम का एक मैटर फॉर्म होता है। वैज्ञानिकों ने इस एरिया के बारे में पहले सिर्फ सिमुलेशन के जरिए ही पढ़ाई की थी, लेकिन अब सच में कोई स्पेसक्राफ्ट वहां पर पहुंच चुका है। इस एरिया में सोलर विंड के पार्टिकल्स और बाहरी अंतरिक्ष के पार्टिकल आपस में टकराते हैं। उस समय इनकी रफ्तार काफी ज्यादा तेज होती है जिसकी वजह से इस टकराव की वजह से काफी सारी लाइट और हीट एनर्जी रिलीज होती है। जब यही चीज एक बड़े पैमाने पर होती है तो वॉल ऑफ फायर नाम का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। वैज्ञानिक अभी भी इस बात को लेकर निश्चित नहीं है कि वह आज भी हमारी पृथ्वी पर जलने वाली आग जैसी ही है या फिर उससे अलग है। ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर सिर्फ प्लाज्मा से जुड़ी हीट ही हो और आग ना हो, लेकिन ये बात वैज्ञानिक निश्चित कर चुके हैं कि वहाँ का तापमान करीब 29,700 डिग्री सेल्सियस से लेकर 49,700 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। ये हमारे सूर्य की सतह के तापमान से 10 गुना ज्यादा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एरिया कितना ज्यादा गर्म है। इतना ज्यादा तापमान सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये स्पेसक्राफ्ट इस एरिया को पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन्हें रोकने वाला कौन है क्योंकि ये स्पेसक्राफ्ट इसे ऑलरेडी पार कर चुके हैं। जब स्पेसक्राफ्ट उस एरिया में घुसा तो वैज्ञानिकों को ये पता चला कि वहाँ का तापमान तो काफी ज्यादा है लेकिन प्लाज्मा की डेंसिटी काफी कम है। जब डेंसिटी कम होती है तो तापमान का असर दूसरी चीजों पर इतना ज्यादा नहीं होता है। इसी वजह से स्पेसक्राफ्ट इतनी आसानी से उस एरिया से बाहर निकल गया।
वैज्ञानिकों के लिए इस रेड हॉल वॉल के बारे में जानकारी इकट्ठा करना काफी जरूरी था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एरिया हीलियोपोज के बहुत ही ज्यादा नजदीक है। हीलियोपोज बिल्कुल एक कवच की तरह है जो हमारे सौरमंडल के बाउंड्री में मौजूद है। अगर इसे बाहर से देखा जाए तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हमारा सौरमंडल किसी बड़ी सी गेंद के अंदर बंद है। ये हमारे सौरमंडल को इंटरस्टेलर डस्ट और ब्रह्मांड से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। इसकी वजह से बाहरी ब्रह्मांड से आने वाली करीब 70% किरणें ब्लॉक हो जाती है। अगर ये हीलियोपोज ना होता तो हमारी पृथ्वी पर जीव जंतुओं का होना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता। साइंटिस्ट ऐसा बताते हैं कि भविष्य में जब हम इंसानों को सौरमंडल से बाहर जाना होगा तो शायद ये रेड हॉट वॉल हमारे लिए थोड़ी दिक्कत की चीज बन सकती है। पहले वैज्ञानिक ऐसा मानते थे कि हीलियोपोज एक गेंद के शेप में है, लेकिन बाद में ये पता लगाया गया कि ये शायद एक अंडे के शेप का है। कुछ सालों बाद ये भी थ्योरी गलत हो गई और वैज्ञानिक बोलने लगे कि शायद ये डोनेट के आकार का हो सकता है। आज भी हम पूर्ण तरीके से निश्चित नहीं है कि इसका आकार क्या है, लेकिन साइंटिस्ट बताते हैं कि शायद इसमें कहीं कहीं पर छोटे छोटे गैप्स हो सकते हैं। इन्हें ढूंढने के बाद हम भविष्य में इनके जरिए ही हीलियोपोज से आसानी से बाहर निकल पाएंगे। जब ये स्पेस प्रोब इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचे तो उन्होंने काफी सारे अजीब अजीब तरह के सिग्नल्स रिकॉर्ड करने शुरू किए। जब इन सिग्नल्स को साउंड रिकॉर्डिंग में कन्वर्ट किया गया तो ये कुछ ऐसे सुनाई देते हैं। शुरुआत में ये अफवाह फैलने लगे कि शायद ये सिग्नल एलियंस द्वारा भेजे गए हैं, लेकिन बाद में नासा के साइंटिस्टों ने ये कंफर्म किया कि ये कोई एलियन नहीं बल्कि इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद गैस की आवाज है। अब ऐसा नहीं है कि वॉयजर में कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। अप्रैल 1978 में वॉयजर 1 के मेन रेडियो रिसीवर ने सही से काम करना बंद कर दिया था और वैज्ञानिकों को ये थोड़ा बहुत पहले ही शक था जब इसको लॉन्च नहीं किया था। इसलिए ऐसा हो सकता है इसलिए उन्होंने एक बैकअप रेडियो रिसीवर वॉयजर में फिट किया हुआ है। जैसे ही मुख्य रेडियो रिसीवर खराब हुआ तुरंत ही दूसरे रिसीवर को ऑन कर दिया गया। ये स्पेसक्राफ्ट अब हमसे इतना दूर जा चुका है कि इससे प्रत्येक सिग्नल भेजने में करीब 20 घंटों का समय लगता है। धीरे धीरे इसकी बैटरी भी खत्म हो रही है और अब ये अपने आप को भी सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाता। लेकिन वैज्ञानिक बताते हैं कि इतना सब होने के बावजूद भी ये स्पेसक्राफ्ट हमें 2025 तक सिग्नल भेजता रहेगा। उसके बाद ये डाटा भेजना तो बंद कर देगा, लेकिन अंतरिक्ष में हमेशा हमेशा के लिए ट्रैवल करता रहेगा। करीब 400 सालों के बाद ये ग्लीज नाम के एक तारे के पास से गुजरेगा जो हमारे सूर्य से करीब 17.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। अगर समय में और भी आगे जाए तो करीब 230 मिलियन सालों में यह स्पेसक्राफ्ट पूरी मिल्की वे का एक चक्कर लगा देगा। कई लोगों का ये सवाल हो सकता है कि क्या वॉयजर इतने लंबे समय तक जीवित रह पाएगा। इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है। साइंटिस्ट ऐसा बताते हैं कि मिल्की वे में काफी सारी धूल मौजूद है जिसकी वजह से ये स्पेसक्राफ्ट बहुत जल्द ही नष्ट हो जाएगा। और दोस्तों एक सवाल कि आज अगर वॉयजर के कैमरे को खोला जाए तो हमें क्या दिखेगा। वैसे तो अभी क्योंकि ये एकदम बिल्कुल अंधेरे में चल रहा है तो वहां पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आएगा और हाल फिलहाल एनर्जी सेविंग की वजह से कैमरे को बंद किया हुआ है। खैर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जब भी अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी की बात की जाएगी तब वॉयजर का नाम आगे जरूर आएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।